साथियों नमस्कार। साथियों, जो भी लोग किसी न किसी बैंक में खाता खुलाए हुए हैं और खाते का संचालक करते हैं, उन सब के लिए एक बड़ी खबर है, जहां पर हेडलाइन आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है, बैंक खाते का मोबाइल नंबर बदल करके रकम उड़ाने वाले गिरोह का पर्दाफाश। यानी साथियों, अंदर ही अंदर आपके मोबाइल नंबर जो होता है आपके अकाउंट से चेंज कर दिया जाएगा और उससे बीपे अकाउंट या गूगल पे या अन्य माध्यमों से जो है आईडी बना करके आपका पैसा साफ कर दिया जा रहा है। इसमें ज़्यादा सहयोग करने वाले लोग, ग्राहक सेवा केंद्र जो चला रहे हैं, जो CSV धारक हैं, इन लोगों की भूमिका इसमें संदिग्ध मानी जा रही है और यही लोग इसमें पकड़े भी जा रहे हैं। पूरे गिरोह में ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये बैंक, छोटे वाले बैंक जो CSV होते हैं, ग्राहक सेवा केंद्र होते हैं, उसके ही संचालक इसमें हैं। पूरे मामले को अगर देखा जाए तो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं आप कि ये आज का ही समाचार है, ये बस्ती में गिरोह, दो सक्रिय सदस्य पुलिस के हाथ लगे हैं, बैंक से जुड़े लोग साइबर ठगी में शामिल थे। यानी ये लोग बैंक से ही लगे हुए हैं। पूरे मामले को अगर देखें तो बस्ती जोन से जो है बैंक खाते का मोबाइल नंबर बदल करके उपभोक्ताओं के खाते से रकम उड़ाने वाले साइबर ठगों को गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया। गिरोह के दो सक्रिय सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। यह बैंक खाते में दर्ज अधिकृत नंबर को बदल करके हेराफेरी करते थे। SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक सेवा केंद्र व बैंक में ही अस्थायी तौर पर काम करने वाले दो साथी इस धंधे में शामिल थे। यानी साथियों, समझ लीजिए कि बैंक के लोग और बाहर के लोग मिल करके जो है इसमें बड़ा काम करते थे। उदाहरण के तौर पर CSV संचालक के पास कोई भी काम लेकर के कोई जाता था ग्राहक सेवा केंद्र वाले के पास, और वह बैंक में जा करके आपका काम कराने के नाम पर अकाउंट नंबर आपका मिलता था उसको, और आपका मोबाइल नंबर चेंज कर लेता था, करा देता था, और उसके बिहाव पर जो है वह बड़ा हेराफेरी कर रहा था। पूरे मामले को अगर देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो अपर पुलिस अधीक्षक रविंद्र कुमार सिंह ने पत्रकार को बताया कि वह टीनिच बाज़ार में SBI ग्राहक सेवा केंद्र चलाने वाले शिवाकांत निवासी कुड़वा थाना नगर है। इसी केंद्र के सामने स्थित SBI में अस्थायी तौर पर काम करने वाले विकास निषाद निवासी बनकटा थाना गौर को गिरफ्तार किया गया है। शिवाकांत भोले भाले लोगों को गोपनीय जानकारी जुटाता था और विकास की मदद से बैंक में मोबाइल नंबर अपने मुताबिक बदल करके रकम को ट्रांसफ़र कर लेता था। SSP ने बताया कि गौर थाने में हीरालाल निवासी अरवेजा जंगल में खाता से 1,50,000 रुपये ट्रांसफ़र होने की शिकायत कराई थी। इसी मुकदमे की जांच के दौरान इस गिरोह का भंडाफोड़ करने के लिए पुलिस को सफलता मिली। दोनों साथियों को कस्बे में लेकर के 1,00,000 रुपया, एक लैपटॉप, स्वैप मशीन, थंब इम्प्रेशन मशीन, फिनो पेमेंट बैंक का डिवाइस, 24 आधार कार्ड, 10 मास्टर कार्ड आदि बरामद हुए हैं। टीम में यह लोग शामिल हैं। साइबर से जुड़े अपराध को खुलासा करने वाली टीम प्रभारी पंकज गुप्ता, प्रभारी साइबर सेल्स विकास यादव, चौकी प्रभारी टीनिच जय प्रकाश चौबे, कांस्टेबल मोहन धीरज यादव, अभिषेक त्रिपाठी, हेड कांस्टेबल मनोज राय, कांस्टेबल राजू प्रसाद, सनोज यादव शामिल हैं। साथियों, पूरे मामले को अगर आप गंभीरता से देखें तो इसमें कितना हूँ चलाक और होशियार ग्राहक हैं वो फंस सकते हैं। बहुत विश्वसनीय तौर पर लोग बैंक पर जाते हैं, CSP यानी ग्राहक सेवा केंद्र पर जाते हैं और अपने काम को कराते हैं, लेकिन अगर बैंक का ही एम्प्लाई, बैंक का ही CSP धारक अगर फुटता है और इस तरह का बड़ा हेराफेरी करता है तो यह सोचने वाली बात है कि किस तरह से जो है कस्टमर सुरक्षित रहेगा। साथियों, जानकारी जो अभी लेटेस्ट है वो मिली है, मैंने आपको पहुंचाया है। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने मित्रों में शेयर भी करिएगा।
साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।